सोने बरसा जा जा रे जा रे पलमवा 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 जा रे जा रे पलमवा जा जा रे जा रे पलमवा जा रे जा रे पलमवा झूठी बचन झूठी प्रीत झूठी बचन झूठी प्रीत निठुर निडर तोरी जा जा रे जा रे बल जा जा रे जा रे बल मोआ जा रे झूठी बचन झूठी प्रीत झूठी बचन झूठी प्रीत ने ठुरने डरा तोरे जा जा रे जा रे बलमुवा कावो कुनि अब कावो गुनिदास अब पैया परत कामो से रमा संग की कपट सोतन संग जाग सगर रे नारसु पाग जा जार रे जा

बच्चन झूठी प्रीत झूठे बच्चन झूठे प्रीत निठुरा नि डर तोरी जा जा रे जा रे बलम जा जा रे बलम जा जा रे जा रे बलम जा रे कुनी दास अब का काव कुनिदास काव काव गावो गुनिदास अब पैया परत कामो से रमासंग संग किनु कपट रमासंग संग किनु कपट सोतन संग जाग सगरी रे नारस पाग जा जा, जा जा रे जा रे बलम जा जा रे जा 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 रे जा 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 रे जा रे बलम नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं डॉक्टर समीर दुबड़े जी इस इंटरव्यू के पिछले हिस्से में हमने उनके शास्त्रीय संगीत के सफर की शुरुआत के बारे में जाना उनकी माँ के संघर्ष के बारे में जाना उनकी माँ की जो लगन थी संगीत के प्रति उसको जाना समर्पण को जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह तमाम चुनौतियों के बाद भी समीर जी ने संगीत को ही थामे रखा संगीत में ही वो डूबे रहे इंटरव्यू के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी की जो समीर जी के गुरु रहे और खुद भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकारों में शामिल रहे कैसी है उनसे जो संगीत की तालीम है उसकी यादें ये सब कुछ देखिए इंटरव्यू के इस हिस्से में अब आते हैं आ, समीर जी इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में दूसरा हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपके गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के बारे में पिछले हिस्से में कोई बात नहीं की आप कह सकते हैं ये मेरा लालच था कि मैं थोड़ा उसको बचा के रखूं ताकि उस पर विस्तार से बात करूं पंडित जी के बारे में कहते हैं कि बहुत बहुत ही फक्कड़ मिजाज बिल्कुल साधु बिल्कुल कोई बच्चा फीस दे रहा है शायद लेते भी नहीं थे फीस वो तो बच्चों से बिल्कुल नहीं लेते थे ऐसे ऐसे विलक्षण कलाकार के साथ आपको सीखने का मौका मिला ऐसे विलक्षण कलाकार के साथ आपने नजदीकी से इतना समय बिताया क्या कुछ याद आता है पहले तो यही बताइए उसके बाद आगे और विस्तार में बात करेंगे बुआ साहब की काफी सारी यादें हैं अब तो यादें ही हैं साथ हमारे तो आ, उनकी एक सिखाने सीख, की एक व्यवस्था रही है वो ऐसे सिखाते थे, थे कि मैं मुझे लगता नहीं कि उनके कोई कॉन्टेम्प्रेरी इतना मेथोडिकली सिखाते होंगे हर एक सीखने के लिए आए हुए बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसका अंदाजा लगा के उसको क्या देना है उसका निर्णय वो कर सकते थे और वो करते थे उस उस हिसाब से सिखाते थे और परख लेते थे हर एक बच्चे को क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार थे मूर्धन्य कलाकारों में से एक थे हिंदुस्तान के तो अभिषेक की बुआ के पास सीखने के लिए काफी सारे लोग कहते थे कि हम सीखना चाहते हैं लेकिन गुरु जी का ये रहता था कि पहले वो देखते थे कि ये सच में सीखना चाहता है कि नहीं जैसे मेरे मेरे साथ हुआ था कि मैं जाने लगा उनके पास और उसके बाद लगभग चार छह महीने तक मैं बैठा रहता था बस मेरे सारे गुरु भाई गाते थे वो सिखा रहे हैं वो सारे हम गुरु भाई मेरे गा रहे हैं ये मैं ऑब्जर्व करता था कि कैसे चल रहा है सीखना सिखाने की प्रक्रिया कैसे है कैसे होती है और लगभग छह महीने बाद अचानक से गुरु जी ने बोला जो मराठी में वो कहते थे कि चला हो मतलब निकलो अब चलो तो जैसे उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझसे कह रहे हैं तो मैं ऐसे दंग रह के उनकी ओर देख रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हैं आप चलो आप गाओ तो मेरा पूरा सारा जो पहले सीखा हुआ जो मेरा अहंकार था वो एक क्षण में चूर चूर हो गया मुझे लगा मुझे कुछ आता ही नहीं में भूल गया कि गले से आवाज निकालनी है ये भी भूल गया फिर उन्होंने मुझे कंफर्ट किया कि नहीं नहीं आप चिंता मत करिए आप गाइए तो सही और फिर वहां से जो शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा फिर दस बारह साल वो गाना बजाना छोड़ के अन्य विषयों में जैसे साहित्य हुआ जैसे मंत्र पठन हुआ जैसे अ, मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट से लेके संस्कृति के अन्य आयामों तक हर चीज में उनको रुचि रहती थी लेकिन साहित्य और मंत्र पठन ये उनके फोर्टे थे साहित्य का उनका खुद का बहुत प्रचंड व्यासंग था और आ, काफी सारे काफी सारी कविता वो केवल मराठी नहीं हिंदी कविता सूरदास मीरा कबीर पढ़े हुए थे उन्होंने उनके दृष्टांत उनके मुंह पे ऐसे मतलब हमेशा अवेलेबल रहते थे और कबीर और मीरा और सूरदास जी के जो कंपोजिशंस बुआ साहब ने किए हैं वो अपने आप में एक एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के कंपोजिशंस बने हैं जो हम लोग गाते भी हैं कॉन्सर्ट्स में तो उनके साथ रहना मतलब खुद को समृद्ध करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी वो हमें उनकी छोटी छोटी चीज़ों में वो कैसे कैसे उठना बैठना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे कॉन्सर्ट के पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए उसमें शारीरिक तैयारी के साथ साथ मानसिक तैयारी कैसे होती है इन सारी चीज़ों की ओर उनका निर्देश होता था हमारे संगीत परंपरा में ये कहते हैं कि हर एक गवैये का ईमान इरादा और इशारा देख के चलना चाहिए तो गुरुजी ने हमको ईमान बहुत अच्छे से सिखाया संगीत के प्रति ईमान कैसे रखना है उसको कैसे संभाल के रखना है इसको बहुत अच्छे से संस्कारित किया उनका इरादा हमें एक हद तक पहुंचाने का जरूर था लेकिन उनका इशारा बहुत ही ऊंचे दर्जे की कला की ओर रहता था हमेशा तो की बुआ के पास रहने के बाद मुझे ये पता चला कि इस इस जर्नी में एक जन्म तो पूरा नहीं पड़ने वाला ये निरंतर प्रक्रिया अगर आप करते रहोगे तो इस जन्म में आपको शायद पता चले कि ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम हो रही है अभी समय नहीं बचा है इसकी ओर मुझे कन्विक्शन से पहुंचा सकती है अगर मैंने लगातार लगन से साधना की तो, तो ये दृष्टि मुझे अभिषेक की बुआ ने दी और जिस तरह की कहन बंदिशों के शब्दों को कहना किस तरह से होगा क्योंकि ख्याल में एक मिसनोमर कहिए या एक बिना वजह एक गलत बात घुसी हुई थी कि ख्याल में शब्दों का महत्व नहीं है जिसके कंप्लीटली विपरीत भूमिका अभिषेक बुआ की थी वो कहते थे अगर आप शब्द ले रहे हो तो उसको ठीक से कहो अगर शब्द आपको नहीं चाहिए तो उनको छोड़ दो पूरा पूरी तरह से उसका त्याग करके आप अपना गाना बजाना करो लेकिन अगर आप शब्द ले रहे हो तो शब्दों को उचित न्याय देना उनका वो उनके शब्द ये ये हुआ करते थे कि हरेक शब्द का अपना अपना एक और होता है उसके नाद का एक वर्तुड़ एक सर्कल बनता है वो पूरी तरह से अगर सुनाई नहीं देगा तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है तो इसलिए उसको ठीक से सही ढंग से बोलना कहना गाने में कहना ये बहुत जरूरी एस्थेटिक वैल्यू उन्होंने सिखाई और उनके कहन और पुकार के तो क्या कहने है? मतलब वो देखते देखते हम उसकी कोशिश करते हैं कि ये उस उस लेवल तक पहुंचने की लगता नहीं अभी तक हुआ है और लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना ये भी अभिषेक की बुआ ने सिखाया जबरदस्त रियाजी थे वो खुद तो हम सारे जो गुरु भाई हैं शौनक हैं हेमंत पेंडसे हैं, जो मेरे साथ मतलब मैं उनके साथ सीख रहा था बुआ साहब के पास बहुत जम के रियाज करने वाले लोग हैं और वो खुद रियाज के लिए अगर बैठ जाए तो चार चार घंटे वो उठते भी नहीं थे जगह से तो इस तरह की बैठक हमारी तैयार हुई बुआ साहब की वजह से और हम उन उनसे बहुत बार ये कहते भी थे कि महाराष्ट्र में अनेकों अनेक जगहों पर उनका गायन हुआ महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में लेकिन कई जगहों जगहों पे ऐसी जगहों में वो गाये हैं जहां पे कलाकार जाने की सोच भी नहीं सकता एकदम छोटा सा कस्बा है कोई म्यूजिक सर्कल नया शुरू हुआ है उन्होंने बुआ साहब कॉन्टेक्ट किया तो वो कहते थे ठीक है मैं आ रहा हूं तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, हुए उम्र में भी और उनके साथ बात करने की हिम्मत आ गई तो हम उनसे एक पूछते थे कि बुआ साहब अब यहां क्यों आप जा रहे हो तो बोले मैं मेरे लिए नहीं जा रहा हूं मेरे बाद की पीढ़ी जो गाने वाली आएगी उनके लिए श्रोता तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है और ये मान के मैं वहां जाके अपनी कला प्रस्तुत करूंगा तब आपकी पीढ़ी के या आपके आगे वाली पीढ़ी के कोई कलाकार वहां जाए तो वहां लोगों को पता तो चले कि ख्याल होता क्या है भजन होता क्या है नाट्य संगीत होता क्या है तो ये भूमिका वो रखते थे हमेशा ये हमें उन्होंने समझाया कि जो बुजुर्ग कलाकार हैं जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कलाकार हुए हैं उनके प्रति हमेशा मन में आदर भाव रहे क्योंकि वो क्यों रहे क्योंकि उनके कंधे पे खड़े रह के तो आप अगला क्षितिज देख रहे हो आपका होराइजन जो ब्रॉडन हो रहा है वो उनके बूते हो रहा है तो उनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव रख के पूरा ग्रेटिट्यूड रख के ही आपको काम करना है ये भी उन्होंने सिखाया तो अब अभिषेक जी ने जो संस्था चालू की थी तरंगिणी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान शौनक उसकी अब जिम्मेदारी लिए हुए हैं और तरंगिणी की ओर से हम ये कोशिश करते हैं कि समाज में जो जो कलाकार बुजुर्ग कलाकार हैं उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था करें उनके प्रति गुरु दक्षिणा की व्यवस्था करें और गुरु पूजन जो हमारी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है तो हम ये जरूर करते हैं कि सारे शिष्य मिलके के किसी एक बड़े कलाकार का सम्मान सत्कार गुरु तत्व का सत्कार हम जरूर करते हैं ये सारी मूल्य व्यवस्था जो है वो अभिषेक जी ने दी हुई है तो वो तो हमारे मतलब आज हम जो खा रहे हैं वो उन्हीं की खा रहे हैं बिल्कुल और सही कहा आपने कि उनका तो व्यक्तित्व मतलब आप भाषाओं की बात कर लें संस्कृत हिंदी अंग्रेजी कोंकणी मराठी संगीत में चले जाए तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उसके अलावा नाट्य संगीत और आ, दस साल की उम्र में के आसपास थे जब घर छोड़ा बॉम्बे गए तो वहां पे रेडियो में नौकरी भी की लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो संस्कार वो देकर गए वो संस्कार आ, कभी साथ छोड़ने वाले हैं नहीं और आ, जो परंपरा कुमार जी की थी कुमार जी कहते थे कि मैं घरानों की कूलीगिरी नहीं करता जबकि बड़े प्रतिष्ठित घरानों से उन्होंने अपना संगीत साधना की थी कुछ वैसी ही स्थिति अभिषेकी जी की भी रही जिन्होंने इतने बड़े बड़े घरानों की बारीकियों को सीखा लेकिन कभी भी वो घराने का स्टैंप लेके अपने साथ नहीं चले आप लोगों को उन्होंने कभी इस तरह से कहा कि ये घराने वराने के चक्कर में मत पड़ो अच्छा संगीत सीखो अच्छा गाओ ईमानदारी से गाओ ये घराना सेकेंडरी हो जाता है उन्होंने इतने सारे शब्दों में तो नहीं कहा लेकिन ये जरूर कहा कि जहां से भी मिले अपनी विद्यार्थी भूमिका कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको कहां से कुछ मिल सकेगा इसका अंदाजा आप घर बैठे नहीं लगा सकते और एक और ये जो वो कहते थे उसी को पुष्टि देने वाला अनुभव पंडित रामाश्वर्य झा रामरंग जी ने हमें बताया था कि जब इलाहाबाद में अभिषेक की बुआ की कॉन्सर्ट हुई थी तो उनके साथ संगत झा साहब ने की थी तो दूसरे दिन आयोजकों के घर में नाश्ते के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे तो आयोजकों ने बताया कि रामाश्रय जी एक बहुत बड़े वाग्यकार हैं, बहुत अच्छी बंदिशें सुना बनाते हैं ये सब बातें हुई तो बुआ साहब सोफे पे बैठ के अपना तमाकू का काम चल रहा था उनका तो वो सुन रहे थे बोले अच्छा आप बंदिश सुनाइए तो जहां साहब ने कहा कि मैंने उनको श्याम कल्याण की बंदिश सुनाई बेला सांझ की और जैसे ही वो बंदिश खत्म करके मैं रुक गया वो झट से नीचे आके सामने बैठ गया और बोले पंडित जी ये बंदिश मुझे सिखाइए तो जहां साहब ये कह रहे थे कि इतनी उच्च कोटि का कलाकार इतनी सहजता से नम्र भाव से मेरे सामने बैठ गया तो मैं क्यों नहीं बताता और आज महाराष्ट्र में झा साहब की बंदिशे पहुंची हैं उसके प्रमुख पहुंचाने वाले कलाकार अभिषेक बुआ है झा साहब ये नाम भी महाराष्ट्र में मालूम हुआ उसकी वजह हमारे गुरुजी हैं तो विद्यार्थी भाव उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा वो कोल्हापुर जाते थे अजीजुद्दीन खान साहब थे वहां पे उनसे सीखने और भैरव के कई सारे प्रकार उनसे उन्होंने सीखे वो बंदिशे सीख के आते थे हमें सिखाते थे और वो कहते थे कि नया कुछ अगर मिले तो उसको ठीक से सीख लो उसको परख लो उसके बारे में चिंतन करो और फिर गाओ उसको क्योंकि गाकर देखने से जो चीज होती है आपके पास वो वो परखी जाती है असल असली तौर पे अगर वो प्रेजेंटेबल हो गई तो समझिए कि अच्छा ठीक है सही हुआ तो वो घरानों के बारे में ऐसी इस तरह से दुराग्रही कभी नहीं रहे ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये मान के चलते थे कि गाने बजाने का जो सिलसिला है वो घरानों के ऊपर है घरानों से बढ़ के घराना तो एक जरिया है उसको समझने का बिल्कुल तो एक घराने से दूसरे घराने में वो सहजता से जा सके उसकी वजह यही थी कि वो ये मानते थे कि ये तो ब्रिज है मुझे जाना है राग प्रदेश में ताल प्रदेश में तो उस उस प्रदेश में पहुंचने के लिए किसी पुल की अगर व्यवस्था है तो वो घरानों की है तो उसको समझ के मैं आगे चला जाऊंगा तो इसलिए उनकी भूमिका ज्यादा समन्वयवादी रही ऐसा मेरा मानना है और उन उन्होंने अपने गाने में तो सारे घरानों की जो अच्छाइयां हैं उनको अपने अंदाज में ढाल के लोगों के सामने रखा और ये उनकी ये उनका बड़प्पन है बिल्कुल अपने जन्म से लेके और 22 साल तक मैं इलाहाबाद में रहा हूं और जो मेरे कुछ दोस्त संगीत सीखते थे वो पंडित रामाश्रय झा जी का जब नाम लेते थे तो क्या सम्मान उनकी आंखों में दिखता था और सोचिए आपने जो किस्सा बताया जितेंद्र जी जितेंद्र अभिषेक अभिषेकी जी तो खुद मतलब संत गानेश्वर से लेके कबीर से लेके नानक से लेके खुद वो सब गाते थे सौ से ज्यादा उनकी अपनी कम्पोजिशन थी लेकिन एक नई चीज सुनी तो वो गए और बैठ के उन्होंने कहा कि मुझे सिखा दीजिए एक बार मेरी शौनक भाई से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि मुझे जो बचपन याद है वो तो ऐसा होता था कि साढ़े चार बजे उनके कमरे में तानपुरा ऑन हो जाता था और एक कमरे में वो रियाज करते थे एक कमरे में उनके शिष्य रियाज करते थे और सात बजे तक शाम को लगभग यही चलता रहता था कुछ इस तरह की बैठकें आपने भी देखी हैं जी देखिए है। वो पुणे में आने के बाद भी वो वही सिलसिला चलता रहा और चूंकि मैं पुणे में मेरा घर था तो मैं उनके घर में रह नहीं पाया कभी अनलेस किसी दौरे पे जाना है दूसरे दिन सुबह उठ के किसी कॉन्सर्ट टूर के लिए निकलना है तो पहले दिन हम सोने के लिए भी जाते थे उनके घर लेकिन जो वहाँ रहते थे वो ऐसे मेरे जो गुरु भाई हैं मकरन हिंगणे हिंगड़े जैसे जो नासिक में हैं अभी वो ये ये बताते हैं कि वो तब भी यही होता था कि चार साढ़े चार बजे बुआ साहब रियाज के लिए बिठाते थे खुद बैठते थे और लगातार शाम तक यही सिलसिला चलता था समीर जी मेरा आखिरी प्रश्न दरअसल आपके भी मेरे ख्याल से आखिरी गुरु उस तरह से अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए तो वो अशोक जी के बारे में है उन्हें भी याद कीजिए उनकी भी उन खासियत खैर शिष्य क्या खासियत बताएगा गुरु की लेकिन फिर भी जो कुछ आप कहना चाहें अपने गुरु के बारे में मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर रानडे ये, आ, संगीत के क्षेत्र के गाड़गे बाबा थे गाड़गे बाबा संत गाड़गे बाबा हु, हुए महाराष्ट्र में जो स्वच्छता अभियान जोरों से चलाते थे वो हाथ में झाड़ू लेके गांव का कचरा साफ करते थे खुद डॉक्टर रानड़े ने हमारे दिमाग में जो कचरा भरा था वो साफ किया परंपरा को लेके उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को लेके जो जो गलत फेमिया या मिसनोमर्स या कुछ अजीबोगरीब मान्यताएं चलती हैं संगीत के क्षेत्र में उन सारी सारी चीजों को साफ करके एक संगीत व्यवहार की ओर देखने का एक शास्त्रीय दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए संगीत एक डिसिप्लिन के हैसियत से एक विद्या शाखा की हैसियत से उसको कैसे देखना चाहिए कैसे समझना चाहिए और प्रयोग परंपरा और विद्वत परंपरा का नाता कैसे होना चाहिए उसका एक आदर्श उदाहरण डॉक्टर रानड़े थे कि खुद एक सुलझे हुए मजे हुए गवई थे वो लेकिन गायन प्रस्तुत करना उन्होंने अपना आजीविका का विषय नहीं किया था लेकिन शास्त्र पक्ष में इतना भक्कम काम करने के बाद इन दोनों परंपराओं का समन्वय मतलब प्रयोग परंपरा और विद्वत परंपरा का समन्वय इसका मूर्तिमंत तो उदाहरण थे हमारे रानडे सर तो इसलिए ये दोनों करना आवश्यक है प्रयोग में भी आपका कॉम्पिटेंस बना रहना चाहिए और आप विद्वत परंपरा जो आप कला प्रस्तुति करते हैं वही कला के बारे में ठीक से बात कर पाते हैं यही हमारे भरत से भातखंडे जी तक की परंपरा रही है तो उसी को आगे ले जाने का जिम्मा उन्होंने निभाया और हम लोगों को वही दृष्टि दी तो अब मैं परंपरागत तरीके से इंटरव्यू के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा शिवेंद्र जी धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मेरे गुरुओं के बारे में आके आपके साथ कुछ बात कर सकूं बहुत बहुत धन्यवाद